का सीजन शुरू होते ही शिवपुरी जिले में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जहां मणिखेड़ा के नल 4 दिनों में एक बार आ रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की भी समस्या हो रही है। नलों में टोंटियां ना होने के कारण लाखों लीटर पानी को बर्बाद किया जा रहा है और कई जगह एक एक बूंद पानी को तरस रहे वार्डवासी एवं शहर में अवैध नल कनेक्शनों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, जिससे नगर पालिका को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे शहर की तरफ ध्यान, नहीं अवैध नल कनेक्शन पर कोई कार्यवाही, जिससे लोगों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े अपने हाथ से नल कनेक्शन कर लेते हैं। जब इस संबंध में नगर पालिका CMO केशव सिंह सागर से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि शहर में अवैध नल कनेक्शन अत्यधिक हो गए हैं, जिस पर लगाम लगाने हेतु उन्होंने प्रत्येक जोन में एक टीम निर्धारित की है, जो अवैध कनेक्शनों को वैध करने हेतु कार्य करेगी एवं लोगों द्वारा नगर पालिका द्वारा लगाई गई टोटी भी निकाल दी जाएगी, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, उस पर नगर निगम भी कार्यवाही करेगा। सर, जिस शहर में लगातार अवैध मणिखेड़ा के कनेक्शनों का अवैध सिलसिला लगातार हर वार्ड में चल रहा है, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कुछ बनी है सर? नहीं, ये जिन जगहों पे मणिखेड़ा की लाइन है वहाँ सही है कि कुछ जगह पे प्राइवेट लोगों को मिली भगत से अवैध कनेक्शन कर लिए हैं जो है जी। और इसके लिए हमने सभी जोन में ये दल बनाए हैं कि अवैध कनेक्शनों को चिन्हित करें और वैध करने की कार्रवाई करें जो है। इसके लिए विधिवत रूप से सभी जोन में हमने ड्यूटी लगाई है और इसकी नियमित रूप से समीक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। सर, ये देखा जा रहा है कि लगातार कई बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि कुछ नगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी जो कुछ खड़े होकर कुछ करवा देते हैं, ये क्या है कि संभव है ऐसा कुछ जगह पे हो, और ऐसी अगर कोई चीज़ सामने आती तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपने देखा होगा हम सुबह जो भ्रमण पर जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो हमने प्रत्येक जोन में कहा है कि ऐसे 2-3-4 पंप टेंडर और जिम्मेदारों की टीम बनाई जाए, जो इस तरह के अवैध कनेक्शन चिन्हित करे, जिन्हें वैध करने की कार्रवाई हो। साथ में एक बड़ी समस्या है कि जिन क्षेत्रों में मणिखेड़ा का पानी आता है, जो हमारी लाइन चल रही होती है, तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा पानी सप्लाई की हम उम्मीद नहीं कर सकते, उतना पानी सप्लाई हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे टोंटी जो लगाई गई थी उस समय जो है कि उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, टोंटी निकाल के फेंक दी है सर लोगों ने, लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार टोंटी निकाल के फेंक दी है और सड़कों पर पानी हजारों लीटर। मैं आपको बताऊँ कि 26 नंबर वार्ड में, और जब हम उसके दौरे पर थे तो हैरानी इस बात की थी कि पानी का जो मणिखेड़ा का पानी का फ्लू इतना था कि नालियों से पानी ऊपर बह रहा था जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोगों ने टोंटी नहीं लगाई और कितना पानी बर्बाद हो रहा है। अगर हम लोग जो है अपने घर पर टोंटी लगा लें और जितना आवश्यक है उतना पानी हम लें, तो शायद मुझे लगता है कि 25% शहर को पानी उससे ही उपलब्ध और हो सकता है। आगे की सर क्या मतलब कार्रवाई, क्या टीम आपकी टीम गठित करोगे, क्या करोगे? नहीं, हमने प्रत्येक जोन पर ये निर्देश दिए हैं, अब देखना चाहिए कि वो कितना काम कर रहे हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि वो लोग नियमित रूप से अपने क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी आप भी कुछ जाके वो ये देखें। और हमने ये भी कहा है कि अगर वो टोंटी की कीमत पता करें या कोई ऐसे व्यक्ति को साथ रखें कि वो तत्काल टोंटी लगाएं, उतना उससे पैसा लें। एक समय के बाद जब आपको लगे कि हम इतने महीना 15 दिन ये अभियान चला चुके हैं, उसके बाद सख्ती से जुर्माना की कार्रवाई करें। और हम इसको इसलिए भी फोकस कर रहे हैं कि यदि अभी गर्मी का समय है, पानी कोई असीमित साधन नहीं है जो है, सब संसाधन सीमित हैं धरती पर, तो सब लोग अगर इस तरह के लोग जो सहयोग करेंगे तो या तो वो पानी हमें 4 दिन ज़्यादा के लिए उपलब्ध हो जाएगा या 4 परिवारों के लिए ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और टोंटी लगाने में 10-20 रुपये से ज़्यादा कोई खर्च नहीं है। सर, ये सैकड़ों जो अवैध कनेक्शन हो गए हैं, इससे नगर पालकों को भी काफ़ी घाटा हो रहा है कि रसीदें कम कटी हैं, अवैध कनेक्शन ज़्यादा हैं। अभी क्या है कि हमने लगभग एक साल में करीब जो है 4,500-5,000 कनेक्शन के आसपास हमने नए किए हैं जो है, तो उसमें जो अवैध कनेक्शन है वो भी शामिल हैं और करीब 50,000 की संपत्तियों के आसपास है। और हमारे पास 23,000 के आसपास कनेक्शन है, तो जो पानी देने के लिए जो खर्चा निकाय का बहुत ज़्यादा है। और शासन की मंशा है कि जो पानी के लिए खर्चा है वो आम जन से वसूल कर ही उसके खर्च की भरपाई की जानी चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कनेक्शन अधिकतम हो। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्शन अधिकतम हो। एक थोड़ा सा मणिखेड़ा का जब व्यवस्था सुधर जाएगी एकदम, जब हमें लगेगा कि बिना लीकेज के निर्बाध रूप से पानी दे सकते हैं, तब इस काम को ज़्यादा ठीक से कर पाएंगे। अभी क्या है, कई जगह ट्यूबवेल से निर्भर हैं, कई जगह पर मणिखेड़ा से निर्भर हैं, लेकिन हम जल्दी इसको जो है
कर लेंगे और हमारी टीम लगातार अभी उस पर काम कर रही है। सर एक लास्ट सवाल मेरा हो रहा है, पंप अटेंडर जो हर वार्ड में लगे हुए हैं, जैसे सईसपुरा है, सईसपुरा 2930 में तो पंप अटेंडर लगे हैं, जैसे सर अपनी मनमानी से मतलब नल खोलते हैं, इनका कोई नियम नहीं है, जबकि ये गोविंद जो ये पिछले सम्मेलन पर बैठते हैं गोविंद जी, उनको भी कई बार समझाया गया, कई बार उदम भी हो गया है वहाँ पे कि भैया सिस्टम बनाओ, जिस जगह सब जगह पानी दे रहा उसी टाइम पे सब जगह दे हो आप। अब जो क्या करते हैं सर, एक जगह 6 घंटे खोल देते हैं, एक जगह 1 घंटे खोलते हैं, इनके लिए सर क्या कार्रवाई रहेगी? इसके लिए क्या है कि हम लोगों ने इनके यहाँ रजिस्टर बनवाए हैं प्रत्येक जोन पर, उस रजिस्टर